क्या आप भी चाहते हैं अंडर 5000 रुपीस एक इनबिल्ट बैटरी स्पीकर जो है सिस्टम आप भी चाह रहे हैं, और आप भी चाह रहे हैं कि इंडोर प्लस आउटडोर में जो है आप भी कहीं आउटिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़े साइज में थोड़ा सा स्पीकर चाहिए जिसकी कि एक अच्छी खासी लाउडनेस भी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपको पता लग जाएगा ऐसे स्पीकर के बारे में जो कि है अंडर 5000 रुपीस और 40 वॉट साउंड आउटपुट से लैस है और साथ ही साथ इसमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं जीएसपी टेक। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेब्रोनिक्स के बैरल 200 के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ जो है इसकी साउंड टेस्ट भी सुनेंगे और एक छोटा सा रिव्यू भी साउंड टेस्ट के बाद कि कैसा ये स्पीकर आपके लिए होने वाला है या क्या इसके फायदे आपके लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें स्पीकर की, तो इसमें जो है आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको जो है वायर्ड माइक इसके साथ इनबिल्ट आता है, इंक्लूडेड आता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ जो है ब्लूटूथ 5 वर्जन को जो है ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है ड्यूल ड्राइव स्पीकर दिए गए इसमें 16.51 इंच के सेंटीमीटर के सॉरी। इसके अलावा जो है आरजीबी लाइट्स इसमें आपको मिल जाएगी जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें कुछ लुक्स इस तरीके का है। और इसके अलावा जो है इसमें मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है, यानी कि आप जो है इसमें मोबाइल भी ऊपर से प्लेस कर पाएंगे, तो वो सब इसके अंदर आपको मिलने वाला है। मॉडल जो है इसका बैरल 200 के नाम से है, जैप बैरल 200। इसके अलावा जो है इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपको आउटपुट जो आरएमएस मिलेगी वो आपको जो है 40 वोल्ट आरएमएस में मिलेगा। इसके अलावा जो है ये माइक्रो यूएसबी कार्ड और जो है साथ ही साथ जो है पेन ड्राइव भी सपोर्ट करता है, जो कि आपको जो है मेमोरी साइज इसका जो है 32 GB का मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ जो है इसमें 3 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा आपको बैटरी पे। इसके अलावा जो है लगभग 3 घंटे में ही ये आपका चार्ज भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ डायमेंशन वगैरह दी गई है। वेट की अगर बात करें तो बहुत लाइट वेटेड है, अप्रॉक्स जो है 2.5 kg के करीब इसका जो है वेट होगा। इसके अलावा जो है इनबॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलने वाले हैं वो भी आपको मैं दिखा दूंगा इसमें। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो ये जो है 7999 रुपीज़ जो है इसकी MRP मेंशन करी गई है, जो कि यदि आप ऑनलाइन देखेंगे तो अराउंड 4000 to 4500 के करीब मैक्स इसमें आपको जो है ये मिल जाता है इजिली। यहाँ पे जो है क्लॉज भी दिया गया है, स्टार रेटिंग स्टार लगा करके दिया गया है कि 50% वॉल्यूम पे और LED ऑफ करने पर ये जो है लगभग आपको 3 घंटे का प्लेबैक टाइम देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है जो इसमें दी गई है। इसके अलावा जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके और फीचर्स के बारे में या इसके एस्थेटिक के बारे में कि कैसा ये दिखने वाला है। ये दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है आपका जुग बार जो आपको मिलता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर और क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाली है, एक आपको जो है USB टू माइक्रो USB चार्जर जो इसके साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है ऑक्स की लीड दी गई है बहुत छोटी सी। इसके अलावा जो है इसमें जैसा कि बताया था माइक, वायर्ड माइक ये आपको इसके साथ मिल जाता है, तो ये चीज भी आपको इसके अंदर साथ में ही मिलेगी, इसके इनबॉक्सिंग कंटेंट में ये आपको मिल जाएगा, इसको जो है आप इसमें प्लग इन कर सकते हैं। तो आइए इसके अलावा बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज आपको मिलती है। सबसे पहले अगर फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको मेटल ग्रिल मिल रही है और फ्रंट में ही जेब्रोनिक्स का लोगो दिया गया है। इसके अलावा जो है टोटल प्लास्टिक में बॉडी दी गई है। और अगर ऊपर की बात करें दोस्तों तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी जो है लाइट का दिया गया है, यानी कि आपको अगर लाइट चाहिए तो और नहीं चाहिए तो उसके लिए आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको मेनू ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जो है आपको लेफ्ट और राइट कह लीजिए और रिवर्स फॉरवर्ड कह लीजिए और साउंड कह लीजिए। साउंड को अगर आपको प्ले करना है, बढ़ाना है, तो आपको जो है प्रेस करके रखना होगा, बाकी अगर आप सिंगल टैप में करेंगे तो नेक्स्ट और प्रीवियस में वर्क करेगा। इसके अलावा जो है बीच में प्ले पॉज का दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बेस का दिया गया है। यहाँ पे ऊपर जो है आपको मोबाइल होल्डर दिया गया है, आप इसमें जो है मोबाइल रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है बहुत इजीली आपको कैरी करने के लिए जो है हैंडल भी यहाँ पे मिल जाता है। बात कर लें इसकी बैक साइड की दोस्तों, तो बैक साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड में जो है यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया है जिसमें कि आप ऑन ऑफ कर पाएंगे इसको। इसके अलावा बगल में आपको ऑक्स का इनपुट दिया गया है, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का दिया गया है, और यहाँ पे जो है आपको पेन ड्राइव आप लगाना चाहें तो यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हैं। USB का सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे माइक्रो USB में चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको माइक का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, माइक इंसर्ट के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सब चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी दोस्तों, और एक बार इसे ऑन करके देखते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इसे हमने ऑन कर लिया और ये इसकी लाइट, ये आप देख सकते हैं। और लाइट के जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये लाइट दी गई है,
इसके अलावा एक ये वाली रिंग लाइट आप जैसे देख पा रहे होंगे, एक ये लाइट इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, और एक ये मिलेगा जो कि आपका साउंड के ऊपर वर्क करता है, और एक आपको RGB ये वाली सपोर्ट मिलेगा। मुझे ये काफ़ी पसंद आया देखने में, और दूर से देखते ही एक बार में जो है इसका लुक काफ़ी पसंद आने लगता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका लुक कैसा लगा। एक बार साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे वीडियो में कि कैसी इसकी साउंड परफॉर्मेंस है और क्या क्या इसके आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए इसका साउंड टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी आवाज़ हमें कैसी मिलने वाली है इंडोर कंडीशंस पे। तो चलिए दोस्तों, आपने इसकी साउंड सुन ली होगी और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको इसकी आवाज़ जो है कैसी लगी। हालांकि वीडियो में किस तरीके से रिकॉर्ड हुई है ये मैं नहीं कह सकता प्रॉपर, हालांकि जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसकी साउंड सुनने के बाद उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साउंड मुझे इंडोर के हिसाब से ठीक लगी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि एकदम से साउंड बहुत बेकार हो, साउंड बहुत अच्छी है। और जो आपने म्यूज़िक सुना होगा तो उसमें मैंने जो है धीरे धीरे लेवल अप किया था म्यूज़िक पे, और जिसमें कि आपने देखा होगा 80% यानी कि 80% जो आपकी वॉल्यूम है वहाँ पे तक आपकी जो है साउंड काफ़ी बेटर आ रही थी, काफ़ी मतलब उसमें कोई किस तरीके की फालतू नॉइस नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि 80% वॉल्यूम तक जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया साउंड आपको मिलेगी इंडोर कंडीशंस में। और इनबिल्ट बैटरी होने के बावजूद, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी दी गई है, काफ़ी हल्की है तो इतना ज़्यादा इसमें भारीपन लग नहीं रहा है, आप इजीली इसे कैरी करके भी मूव कर सकते हैं। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट मुझे नज़र आया है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे जो है 80% वॉल्यूम में भी बजाते तो मैं समझता हूँ कि 1.5-2 घंटे आराम से ही बजेगा। इसके अलावा जो है जैसा कि कंपनी ने मेंशन किया गया है कि लगभग जो है 2.5 घंटे करीब ये जो है 50% वॉल्यूम में विदाउट लाइट के आप इसे जो है इंडोर या आउटडोर कंडीशन में आप बजाना चाहें तो बिल्कुल जरूर से बजा सकते हैं। मैं इस पर जो है नेक्स्ट पार्ट एक और लेके आऊँगा जिसमें कि जो है हम आउटडोर में इसकी साउंड टेस्ट करके देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आउटडोर में जो है इसकी साउंड परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो इंडोर के हिसाब से मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर 4000 रुपीज़ लगभग ये मिल जाता है आपको 4-4.5 हज़ार रुपये में, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप चेक कर सकते हैं प्राइस, तो इस प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगा। तो यदि आप इस प्राइस पॉइंट में जाना चाह रहे हैं और एक थोड़ा सा बल्कि लुक में देखना चाह रहे हैं, हालांकि बल्कि है नहीं लुक इसका बल्कि है, तो उस लुक में आप लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर से आप जो है इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। तो और अगर इसका जो आउटडोर का पार्ट है वो आप देखना चाहें तो आपको जो है आगे जो है आने वाले दिनों में वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।